Assalamu alaikum dear students, welcome to the new topic of SST, that is houses are made of different materials. We have already discussed some points in the previous lecture regarding the structure of a house. Now today we will discuss about the materials used to build the different houses. आइए यहाँ पे देखते हैं हम कि किन मकानों को किन मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है बनाने के लिए. सम हाउसेज आर बिल्ट यूजिंग सीमेंट ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स एटसेट्रा. कई मकान बनाने के लिए हमें सीमेंट की जरूरत पड़ती है, ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है और आयरन रॉड्स. सम हाउसेज आर बिल्ट यूजिंग स्टोन वुड मड बैम्बू सिट्रा एटसेट्रा. तो कई मकान बनाने के लिए हमें स्टोनस की ज़रूरत पड़ती है, वुड की ज़रूरत, लकड़ी, पत्थर, मड मीन्स कीचड़, बैम्बू सिट्रा एटसेट्रा. इन सर्टन प्लेसेस हाउसेज आर बिल्ट यूजिंग ब्लॉक्स ऑफ आइस कॉल्ड इग्लू. तो कहीं एरिया में जहाँ पे ज़्यादा स्नोफॉल होता है वहाँ पे हमें ब्लॉक्स ऑफ आइस की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अपना घर बना सके, दैट इज नोन एज इग्लो. सो दीज आर द मटेरियल्स यूज टू बिल्ड द डिफरेंट हाउसेज. डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज टू बिल्ड द डिफरेंट हाउसेज. नाउ हियर द अनदर पॉइंट इज टाइप्स ऑफ रूफ्स. जो हमारे मकान की छत होते हैं ऊपर, इनके भी किस्म होते हैं बहुत सारे. द टॉप ऑफ हाउस इज कवर्ड बाई इट्स रूफ. जो हमारा मकान होता है इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं रूफ. दैट कनेक्ट्स ऑल द वॉल्स ऑफ द हाउस. डिफरेंट हाउसेस हैव डिफरेंट रूफ्स. फॉर एग्जांपल, पॉइंट फर्स्ट इज हियर, फ्लैट रूफ. द हाउसेज विद फ्लैट रूफ आर फाउंड इन दोज एरियाज वेयर द वेदर इज हॉट विदाउट रेन. ये फ्लैट रूफ वाले मकान कहाँ पे बनाए जाते हैं? जहाँ मौसम बहुत ही गर्म होता है और जहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं होती है. सेकेंड वन इज स्लोपिंग रूफ्स. The houses with sloping roofs are found in those areas where there is a lot of rain and snow. कहाँ पे बनाए जाते हैं sloping roofs? जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और snowfall भी होता है. और इसका फायदा क्या है इस sloping roof का? This allows rain water and snow to slide off easily. इससे क्या होता है? इससे जब बारिश पड़ती है और snowfall होता है तो वो जल्दी आसानी से सरक जाता है, स्लाइड ऑफ होता है, सो दैट इट विल नॉट डैमेज द हाउस. द अनदर पॉइंट इज हेयर, डोम शेप्ड रूफ. द हाउसेज विद डोम शेप्ड रूफ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट डोम शेप्ड मीन्स. डोम शेप्ड मीन्स कर्व्ड स्ट्रक्चर्स, कर्व्ड रूफ्स, दैट्स इन द फॉर्म ऑफ ए कर्व. For example, igloos have dome-shaped roofs. You might have seen the igloos that is having dome-shaped roofs. For what purpose? Kis cheez ke liye? Because they need to tolerate very high pressure of snowfall. Kyunki wahan pe zyada snowfall hota hai, to uska pressure tolerate karne ke liye inka jo chhat hota hai, that is dome-shaped. I will make you understand here on these diagrams. See, look here with this towards this house. This is a house with a flat roof. यहाँ पे क्या होता है? Flat roof होता है, ऊपर से plain होता है. It will not damage the house because there is no much more rainfall or snow. So यहाँ पे मतलब क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती है. जब अगर कभी कभार पड़ भी जाए बारिश तो वो मकान को खतरा नहीं पहुंचाता है, वो जल्दी सूख जाता है. ठीक है. और यहाँ पे है हाउस विद स्लोपिंग रूफ्स. स्लोपिंग रूफ्स यू विल सी हियर इन द फॉर्म ऑफ ए स्लोप, सो दैट रेन विल गेट स्लाइड ऑफ क्विकली और स्नो विल गेट स्लाइड ऑफ क्विकली.
और मकान को नुकसान नहीं पहुंच सकता है। एंड हियर इज डोम शेप, यू कैन सी हियर इन द फॉर्म ऑफ ए कर्व। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्लियरली। थैंक्स।